आज की इस वीडियो में हम आपको बिजनेस के तीन बड़े असूल बताएंगे। दुनिया में एक बहुत बड़े ताजर गुजरे हैं, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ। उन्होंने अपना कारोबार सिर्फ 2 किलो पनीर से शुरू किया था, लेकिन जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके मोटे मोटे जो असासे थे, सिर्फ सोना जो था 1 अरब 10 करोड़ 20 लाख तोले सोना था, जिसे तकसीम करने के लिए जब काटा गया तो लोहे के आरे टूट गए काट काट कर। और ऐसे ही हजारों जागीरें, हजारों भेड़ बकरियां और हजारों ऊंट और घोड़े और गुलाम थे। वो हमारी तरह जमा भी नहीं करते थे, इधर से माल आया तो उधर बांट दिया और उधर से आया तो इधर बांट दिया। ये वो माल था जो बांटते बांटते बच गया था। जब उनसे कारोबार की तरक्की का राज पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, मैं 3 काम करता हूँ। नंबर 1, मैं माल उधार नहीं खरीदता। नंबर 2, मैं माल उधार नहीं बेचता। नंबर 3, जखीरा अंदोजी नहीं करता। यानी कल की उम्मीद पे माल नहीं रोकता कि महंगा होगा तो बेचूंगा, अगर आज मुझे 1 रुपया नफा मिल रहा है तो ये पक्की उम्मीद हो कि कल बेचूंगा तो मुझे 10 रुपया नफा मिलेगा तो मैं आज ही बेचूंगा, कल का इंतजार नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात, इसके बावजूद दुनिया में ही जन्नत का टिकट ले गए, और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से, और क़यामत तक के ताजरों को एक रास्ता दे गए कि तिजारत में माल के साथ साथ जन्नत कैसे हासिल करनी है। इस सारी कहानी का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप माल उधार पर खरीदते हैं तो जब आपको उनको वापस देने का टाइम आता है तो उस वक्त आपके जहन में कभी ये आता है कि यार उसको ज़्यादा मुनाफा हो रहा होगा, आप कभी उसको कम पैसे देते हैं, कभी उसके पैसे रोक लेते हैं, कभी उसके पैसों को देर से देने के लिए अपनी नीयत को ख़राब करते हैं। और आपकी नीयत जैसे ही जहन में ख़राब होती है, आपके कारोबार में से आपकी बरकत उठ जाती है। जिस तरह दूसरे नंबर पे बताया गया था कि मैं माल उधार नहीं बेचता, क्योंकि उधार बेचने से सेम जो आपकी सिचुएशन है उधार लेने वाली, वही सेम सिचुएशन आगे की आवाम वालों की बन जाती है कि वो जैसे उधार लेते हैं उनके जहन में भी इस तरह की चीज़ें आती है जिससे आपका माल बहुत ज़्यादा तकसीम हो जाता है और उसमें बरकत उठ जाती है। और ज़खीरा अंदोजी नहीं करते थे, जो नंबर 3 और आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि वो ज़खीरा अंदोजी नहीं करते थे। उनको पता था, उनका अल्लाह पर तवक्कल था कि उनके नसीब में जो चीज़ लिख दी गई है वो उनको छप्पर फाड़ के भी मिलेगी, दुनिया की 7 तहों में छुपने के बाद भी मिलेगी, और दुनिया से पर्दा उठा जाने के बाद भी अगर वो उनके नसीब का माल था तो वो उससे पहले पहले उन तक ज़रूर पहुँचेगा। इन तीनों बातों का मकसद ये है कि आज हमने हमारे पेट्रोल पम्पों, हमारे ज़खीरा अंदोज़ गंदम के कारखाने हों, हमारे पास फैक्ट्रियां हों, चीनी हो, खर्च के किसी भी किस्म की कोई चीज़ हो, हमारे पास गोदाम के गोदाम भरे पड़े होते हैं कि जैसे ही कोई रेट ज़्यादा हो उसको हम बेचना शुरू कर दें और मुनाफा कमाना शुरू कर दें। अगर इस सोच से हम निकल जाएं, अगर इस सोच से हम बाहर आ जाएं और हम अपनी सोच को इस तरह बना लें कि ना उधार लेना है ना उधार देना है और ज़खीरा अंदोज़ी बिल्कुल नहीं करनी, तो अल्लाह ताला आपके मालो रिस्क में इंतहा की बरकत इनायत फरमा देते हैं, जिससे ना सिर्फ आप बल्कि आपकी नस्लें भी बहुत ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरे देखने वाले दोस्तों, आज आप भी इस ज़खीरा अंदोजी की लानत से ख़ुद को दूर कर लें और देखिएगा, किसी का उधार देना है तो उसको चुप करके वापस दे दें, और किसी से उधार लेना है तो उसकी मिन्नत तरले प्यार से उससे उधार वापस ले लें, और अपने आप को इन 3 स्टेप के ऊपर खड़ा कर दें, और इंशाअल्लाह देखिएगा कि अल्लाह पाक कैसे आपके माल और रिस्क में बरकत इनायत फरमाते हैं और कैसे आपको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होती है।